नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं निधि भारती, FMI न्यूज़ वालों तुहाडे सारिआं दा स्वागत करदी हाँ। असीं यूके दे संगत टीवी ते वी साडे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करांगे खास खबरों के नाल। जलंधर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, मुताबक पंजाब च आपदी सरकार आउण ते खत्म किया जाएगा रेड राज। तां केजरीवाल ने केंद्र नूं वी दित्ती नसीहत, कहा कारोबारियों नूं तंग करना बंद करे केंद्र। कांग्रेसी महिला वर्करां वल्लों केजरीवाल का विरोध। सूबे च वापर रही धार्मिक ग्रंथा की बेअदबी ते मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दिता रटा रटाया बयान, कहा कुछ शरारती तत्त करना चाहते ने, पंजाब दा माहौल खराब, लोगों नूं शांति बनाए रखने की कीती अपील। जलंधर विखे कर्जदार तो तंग आके एक ही परिवार के चार जियां वालों सल्फास खा के की गई खुदकुशी, मृतकों च पति पत्नी तो इलावा दो बच्चे भी शामिल, लाशों को मिला सुसाइड नोट, पुलिस वालों मामले की जांच जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात चूड़ी अतवादी हमले ते प्रगटाया दुख, कहा हमले ते जिम्मेवार किसी भी कीमत ते नहीं जाणगे बख्शे। पीएम ने पैरालंपिक च देश दा नां रोशन करन वाले खिडारियों नूं भी दित्ती वधाई। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अते आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल एक समागम च शामिल होने लिए एतवार नूं जलंधर पहुंचे, जिथे उन्हां बोलदिआं कहा कि पंजाब च आपदी सरकार आउण ते वपारियों ते छापे मारने बंद किए जाणगे। जलंधर विखे एक समागम च पहुंचे दिल्ली दे मुख्यमंत्री अते आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब च आप दी सरकार आउण ते छोटे व्यापारियों ते छापे मारने बंद किए जाणगे। उन्हां केंद्र दी बीजेपी सरकार ते हल्ला बोलदिआं कहा कि केंद्र वल्लों काला धन बाहर कढवाउण लई छोटे कारोबारियों नूं तंग किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र नूं पहलां विजय माल्या नूं गिरफ्तार करना चाहिए। कि इनकम टैक्स की रेड पूरे देश में बंद करें, छोटे छोटे व्यापारियों पे कह रहे हैं काला धन लाने का टारगेट पूरा करना है। एक विजय माल्या को पकड़ के ले आओ बाहर से, सारा टारगेट पूरा हो जाएगा। ये छोटे छोटे कितने व्यापारियों को टारगेट कर रहे हो, तो अपने को ये करना है। अब लगभग सब लोग मानते हैं कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अपने को ये करना है जी कि ये रेड राज बंद करना है। सबसे बड़ा चैलेंज अपने सामने पंजाब के अंदर होने वाला है कि नशा बंद करेंगे। नशा बंद करने के बाद जितने अपने बच्चे नशे में अभी थे, उन सबका रिहैबिलिटेशन करना है, उन सबका दवा दारू करवानी है ताकि वो रिहैबिलिटेट होकर अपने अपने घर में रह सकें। लेकिन ये सारे बच्चे अब नौकरी मांगेंगे, सारे बच्चे रोजगार मांगेंगे। रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर हो सकता है दोबारा कभी नशे में ना पड़ जाएं। वो रोजगार कौन देगा? वो रोजगार आप सारे जने दोगे। व्यापारी रोजगार देंगे, उद्योगपति रोजगार देंगे। इस मौके पार्टी के आगू भगवंत मान ने भी बादल सरकार नूं नशियां ते पंजाब नूं कैलिफोर्निया बनाने के मुद्दे ते कोसिया। एक सच्चाई जिहड़ी साडे समाज नूं अज खा रही है, साडे नौजवान वर्ग नूं खास तौर ते, कुछ बेरोजगारी की दलदल चले गए जिहड़े बचे, उन्होंने साडे सत्ताधारियों ने चिट्टे ते लाता, नशियां नाल घरां दे विच सत्थर विछ गए। पता नहीं किन्नियां रंगलियां चुन्नियां चिट्टियां हो गईयां, किन्नियां भैणां दीयां चुन्नियां जिहड़ियां ने रंग बदल गए। पर दुख की गल यह है कि घरां दे घर खाली हो गए, पर मनदे नहीं कि साडा पंजाब किसी बीमारी तों पीड़ित है। डॉक्टर कोल ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੰਡਨ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੀਰਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, 150 ਮਣ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ, 90 ਮਣ ਝੋਨਾ, 60 ਮਣ ਕਣਕ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। उधर इस तो पहला सवेरे अरविंद केजरीवाल का अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने ते कांग्रेसी महिला वर्करां ने विरोध किया, तो उत्थे जलंधर पहुंचने ते भी कांग्रेसी वर्करां ने केजरीवाल नूं कालियां झंडियां विखाईयां। हमारी प्रोटेस्ट की वजह ये है, हम इनको अपने पंजाब में आने नहीं देंगे। इनकी गंदी सोच, जो औरत के प्रति रोज हम बातें सुनते हैं, जो इन्होंने शोषण, जो इन्होंने लेडीज के साथ, महिलाओं के साथ शोषण किया है, बलात्कार किया है, उसके लिए हम उनका यहाँ पे आना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी होने के नाते, महिला होने के नाते केजरीवाल जी का पंजाब आने पर विरोध करते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में उनकी सरकार ने क्या गुल खिलाए हैं। महिलाओं का यौन उत्पीड़न, उनके मंत्री
उनके संतरी सभी चोर हैं, सभी अंदर हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल जलंधर च अग्रवाल भाईचारे वालों करवाए जा रहे प्रोग्राम च शामिल होने आए सन, जिथे उन्होंने एक पैले च अग्रवाल समाज वालों महाराज अगर जैन जयंती और अग्रवाल वैश महासम्मेलन च शिरकत की। जलंधर तो मनवीर सबरवाल और अमृतसर तो सुखचैन सिंह, फ्री मीडिया। उधर सूबे च आए दिन वापर रही बेअदबी दी घटनावां ते मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने रटा रटाया बयान दिता है। गुरदासपुर पहुंचे सीएम बादल ने फिर कहा कि कुछ शरारती तत् सूबे का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिस लई उन्हां वल्लों वार वार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की जा रही है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल साबका विधानसभा स्पीकर निर्मल सिंह कालों की स्वर्गीय पत्नी सरविंदर कौर की पहली बरसी मौके धार्मिक समागम च हिस्सा लैण लई पहुंचे हुए सन। इस मौके उन्हां अरविंद केजरीवाल के पंजाब च आण ते भी स्वागत किया है। मतलब जो मर्जी आउन जी, वेलकम। मैं कुछ नहीं कहना जी, मैं तो कोई आवे उस सारा नु मैं पंजाब च आउन ते वेलकम है ना, कुछ आंदी तो मेरा किसे नाल झगड़ा नहीं, मेरा किसे नाल नहीं। पंजाब दे लोग समझ समझदे है कि साडी बागडोर किस दे हत्थ च होवे जिहड़ा सानू किसे मंजिल ते पहुंचाए। माड़े बंदे गलत बंदे इहियां घटना जिहड़ियां पंजाब दा अमन शांति भंग करना चाहुंदियां, कोई ना कोई शरारती बंदे है जी, नहीं कोई सही सोच वाला बंदा है जी सोच सकता है यह जी गलती बुझे बजर पाप कर रहा कुछ बंदे बंदे। साडा रिश्ता भरावां वर्गा है, बैठ के फैसले होणगे, अखबारां दे थ्रू नहीं जाणा। हुण वो तो दिल्ली से भी जिता रहा होगा, वो अलग गल है, लेकिन असी जो मंगते हाँ वह कानून मंगते हैं। जे राजधानी है चंडीगढ़ पंजाब वास्ते बनी सी, पंजाब की जो रीऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट हुई है उदो जी नवी नवी स्टेट बनी उन्हें अपनी बना ली सारे हिंदुस्तान, सिर्फ साढ़े ना धक्का हुआ। इवें जिमें पानी के मसले से रिपेयरिंग राइट का असूल है, दरियावान के पानी का वह हक हों जिसे दरिया बन गया, ये तक सीधी गल है। ये असी कोई रियायत नहीं मंगते, असी कानूनी विधानक कॉन्स्टिट्यूशन का जो तरीका होगा। अगली खबर अजनाला तो है, जिथे कांग्रेसी वर्करां वालों सूबे च नशियां खिलाफ कढ़ी जा रही मोटरसाइकिल रैली ते अचानक अणपछाते नौजवानां ने हमला कर दिता। हमले विच कुछ कांग्रेसी वर्कर जख्मी भी हो गए। कांग्रेसी वर्करां मुताबक हमला नशे दे सौदागरां ने किया जिन्हां खिलाफ वो रैली कढ़ रहे सन। इस दौरान कांग्रेस ने चेतावनी दिती है कि जेकर पुलिस वालों इस मामले विच जिम्मेवार लोगों खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तो वह हल्के के संबंधित विधायक का घर घेरणगे। वो अज जी रैली साड़ी नशियां के खिलाफ तो जोड़ा सिस्टम है वो खिलाफ नौजवानों की रैली आ, और असी बड़ी भरपूर रैली जी इतों शुरू की आ। जोड़ा हल्के का विधायक आ जोड़े नशियां से सुधागर है उन्होंने ये चीज़ पाई दी नहीं गई, उन्होंने साडे बंद साड़ी रैली से प्रॉपर हमला किया जिंदियाँ वीडियोज़ और रिकॉर्डिंग सारी साढ़े को, और जानलेवा हमला किया गया। देखो ये भी सिर पर सट आ, और देखो मोडे से उन्होंने कृपाना से राडा सन दस्ते सन सरिये सन पता ही नहीं सू पता ही नहीं अणते नहीं किसी कोई गल नहीं। देखो मुंडे के बेचारे का सट्टा लाइया पुलिस अफसर हूँ अभी गल कर लगे हाँ, और नहीं तो अं इदा दे विधायक के अगे धरना देवे वे घर अगे और मरण वरते बैठा कि जे तुम इदा हमले करने तो अं सीधे तेरे को आ जाने तो साढ़े गल कर साढ़े वर्कर से कोई हमला करने की गल नहीं की, हाँ ना ही बर्दाश्त करा किसी कीमत। जलंधर विखे सिर चढ़े कर्जे तो तंग आके एक ही परिवार के चार मैंबर वालों खुदकुशी करन दा मामला सामने आया है। मृतकों च पति पत्नी और उन्होंने दो बच्चे शामिल ने। जलंधर के किशनगढ़ इलाके च कर्जे तो परेशान व्यक्ति ने परिवार समेत सलफास खा के खुदकुशी कर ली। मृतकों दी लाशों को एक सुसाइड नोट भी बरामद होया है, जिस लिखा गया कि कर्जदार उसनू धमकी देंदे सन अते पैसे ना वापस देने की सूरत च पत्नी अते धी नू चुक के ले जाण दी गल करदे सन, जिस कारण दुखी परिवार ने मौत नू गले ला लिया। मृतकों की पछाण अनिल अग्रवाल पत्नी रजनी धी राशि अते पुत्र अभिषेक के रूप च हुई है। धी अते पुत्र की उम्र 18 अते 23 साल के विचकार दसी गई है। उधर पुलिस मुताबक लाशों नू कब्जे च लैके जांच शुरू कर दी गई है। सवेरे कोई 7:45 बजे सानू 7 बजे की इतलाह मिली है कि किशनगढ़ चौंक के लागे चार बंद ने सलफास खा के सुसाइड कर ली है। असी मौके पर पहुँचे, मौके पर पहुँच के जोड़े चार डेड बॉडियां अनिल अग्रवाल वाइफ बेटा तो बेटी
जिन्होंने सुसाइड किया तो कोलों सानू सलफास दी शीशे मिली तो पानी की बोतल मिली। इस तो लगता भी नहीं सुसाइड किया सलफास खा के। तो एक सुसाइड नोट मिलया जिद सत्त अठ बंद लिखे पे इन्हों के असी पैसे देने से तो असी इन्हों का ब्याज दे भी चुके हैं तो कुछ ब्याज रहा है सूँ तंग परेशान करते असं इन्हों तंग आके सुसाइड कर रहे हैं। ये नहीं हजे पता लगे किन्ने पैसे देने जलंधर। मृतक परिवार पठानकोट चौक के नेड़े एक फ्लैट च रहिंदा सी। जानकारी मुताबक मौके तो मिले मोबाइल फोन तो एक नंबर डायल किया गया सी जो मृतक की भैन का सी, जिस तो बाद ही मृतक की भैन ने लाशां की पहचान की है। जलंधर तो मनवीर सबरवार फ्री मीडिया। दो दिन पहला एक निजी हस्पताल विच नर्स नाल कुटमार करन दे इल्जाम विच बागा पुराना पुलिस ने पिंड आलमवाला दे सरपंच परमजीत सिंह ते उसके पुत गुरजीत सिंह नू गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज दे सोशल मीडिया ते वायरल होने तो बाद कीती है। और जिहड़ी लड़की सी ओह मेरी नाल बच्चियां रखी है कोई ओहदे नाल नहीं कोई ऐसी कोई गलबात नहीं कोई साडी कोई निजी राज नहीं। और जिहड़ी लड़की सी ओह मेरी नाल बच्चियां रखी है कोई ओहदे नाल नहीं कोई ऐसी कोई गलबात नहीं कोई साडी कोई निजी राज नहीं। जिस नर्स नूं उक्त व्यक्ति अपनी धी समान होने का दावा कर रहा है पहला जरा अपनी धी नाल इसका सलूक वेखो। दरअसल ये उही सरपंच है जिसने दो दिन पहला एक निजी हस्पताल च नर्स नाल कुटमार की सी, जिस तो बाद बागा पुराना पुलिस ने पिंड आलमवाला दे इस सरपंच परमजीत सिंह अते इसके पुत गुरजीत सिंह नूं गिरफ्तार किया। उक्त सरपंच ने अपना किसी भी पार्टी नाल संबंधित होने तो इनकार किया। जो मेरे ते इल्जाम लगे सब कुछ है, जो पहला तो यह इल्जाम है कि जो मैं कल परसों का सुनी जाना है भी यह सरपंच कर ली। मैं सारे मीडिया में पहले तैयार है हूँ भी कहना मैं कोई कर ली नहीं किसी पार्टी ने मेरा संबंध नहीं। असी मेरी मिसेज सरपंच है असी जी है सर्वसंमति पिंड के लोगों ने अकाली भी बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस सारे ने सू भेने यह मेरे तक का बना बहुत बड़ा झूठा लाया गया। दूजा समाज सेवी बंदे असं जे कोई है पत्रकार जाके पिंड भी देख सकते हैं सोलर लाइटा मेरिया आम चल रही है। और जी लड़की सी मेरी बच्चिया रखी है कोई वो नहीं कोई ऐसी कोई गलबात नहीं कोई साड़ी कोई निजी राज नहीं। और जो बिल की बात मैं यही गल कही कि डॉक्टर साहब ना मेरी गल हुई है कि यह बिल उन्होंने कहा कि सरपंच साहब जितने 10,000 लगू तो इतों 6-7,000 रुपया मैं आही गल उन्होंने कही थी कि वो डॉक्टर साहब बुला दो पर उन्होंने कहा असी बिल बना है तो इतों ही बस थोड़ा तलखी ना बोले जरा मेरे बच्चे ने उन्होंने रोक गया तो वो लड़की भी उठ के तुम्हें सारा ने वेख्या ही है। 22 सितंबर नूं सरपंच परमजीत सिंह अते उसदे पुत गुरजीत सिंह दा निजी हस्पताल च बिल बनाउण च देरी करन अते स्टाफ नर्स रमनदीप कौर वल्लों स्टाफ रूम च बैठण दा विरोध करन उत्ते झगड़ा हो गया सी। इस दौरान मुलजम सरपंच ने नर्स रमनदीप कौर जो गर्भवती है नूं पहलां तक्का मार के फर्श उत्ते सुट दिता, जिस तों बाद दोवां प्यो पुत्तां ने नर्स नूं थप्पड़ भी मारे सन। देखो जी वो मामला दर्ज करके माननीय SSP साहब साडे स्नेहदीप जी शर्मा उन्होंने DSP सरदार जसपाल सिंह जी ढिल्लों उन्होंने साड़ी फोर्स में सख्त हदायत कीतिया कि दोषियों तुरंत जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार किया जाए, जिस के संबंध में असं वख-वख टीमें बना के रेड किए। तो SI वकील सिंह की पुलिस पार्टी ने उन्होंने राजा के बस स्टैंड तो अज उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। फर्दर की कार्रवाई थोड़े को उन्होंने अरेस्ट करके अदालत में पेश करें। उधर दूजे पासे पीड़ित नर्स नूं मिलन पहुंचे आम आदमी पार्टी दे आगू भगवंत मान ने अकाली दल ते निशाना साध्या। भगवंत मान मुताबक एक पासे केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल नन्नी शां दी गुहार ला रहे ने परंतु दूजे पासे अकालियां वल्लों पंजाब च शरेआम गुंडागर्दी कीती जा रही है। देखिए अकाली दल की जो गुंडागर्दी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर रोज कहीं ना कहीं से खबरें आती हैं कि इनके सत्ताधारी इनके नेताओं ने इनके सरपंचों ने इनके जो जथेदार हैं वो लोगों को पीटने की खबरें, ऑर्बिट बसों का कहर, जो रोड टेररिज्म पंजाब में चल रहा है उसके बारे में सबको पता है कि अगर एक्सीडेंट में
ऑर्बिट बस से कोई किसी आदमी की मौत हो जाती है तो बस नहीं रोकते, वो एसएसपी को या डीसी को फ़ोन कर देते हैं, हमारा रूट ना ख़राब हो जाए, इनसे बात कर लेना कितने पैसे लेंगे। तो ये गुंडागर्दी का जो नंगा नाच यहाँ पे पंजाब में हो रहा है, हम उस इस परिवार, क्योंकि इस परिवार की बच्ची को कल बेरहमी से पीटा गया सरपंच द्वारा, सभी ने वीडियो देखी, नेशनल मीडिया में भी बहुत ये खबर चली है, तो मैं उनको हौसला देने आया था कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले मत समझना। क्योंकि एक तरफ तो हरसिमरत कौर बादल नन्ही शाह की बात करती है, बेटी बेटी की इज्जत करने की बात करती है, बच्चियों की इज्जत करने की बात करती है, दूसरी तरफ इनके सरपंच, और एक तो वीडियो ऐसी भी है जिसमें सिकंदर सिंह मलूका खुद अपने हाथों से जो बेरोजगारों की पिटाई कर रहे हैं। प्यो पुत वालों नर्स की की गई कुटमार का मामला सोशल मीडिया उत्ते वायरल होने तो बाद सरकार उत्ते दोवां नूं गिरफ्तार करन दा प्रैशर वधदा जा रहा है। खास तौर उत्ते कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे उत्ते सरकार नूं लगातार घेर रही सी, जिस तों बाद पुलिस ने आखिरकार दोवां मुलजमां नूं गिरफ्तार कर ही लिया। मोगा तों सुरजैन, फ्री मीडिया। अगली खबर गुरदासपुर तो है, जिथे तैनात ASI ते एक औरत दे नाल बदसलूकी दा मामला सामने आया। पीड़ित औरत मुताबक गुरदासपुर विखे तैनात ASI परवेज कुमार ने उस नाल बदसलूकी की है। पीड़ित औरत ने दस्या कि जदों वो खेतां विच वापस आ रही सी तां उक्त ASI ने उसके साइकिल ते अपनी गड्डी मार दित्ती अते उस नाल कुटमार की। इस तों पीड़ित औरत ने ASI ते गाला कड्ढन दे वी इल्जाम लगाए ने। उधर दूजे पासे पुलिस मुताबक उन्होंने पीड़ित औरत दे बयानां दे आधार ते मामला दर्ज कर लिया अते अगली कार्रवाई की जा रही है। ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨੇ ਭੁਆ ਕੇ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਕਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਦਿਨ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਵਾਲ ਫੜੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜੀ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਸੱਟ ਲਾਈ ਇਹਨੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੀਲਵਾਂ ਦਾ ਪਰਵੇਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੌਤਾ ਸੌਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ASI ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਰੋਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਫੈਂਸ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 25ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ PM ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਾਰੀ ਸੈਨਾ ਪਰ ਹਮੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੇ ਲੀਏ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕਰੇਂਗੇ। कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा ये शासन की जिम्मेवारी होती है। कानून और व्यवस्था बनाने के लिए शासन को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। मैं सुरक्षा बलों को भी कहूँगा कि हमारे पास जो सामर्थ्य है, शक्ति है, कानून है, नियम है, उनका उपयोग कानून और व्यवस्था के लिए है। कश्मीर के सामान्य नागरिकों को सुख चैन की जिंदगी देने के लिए है और उसका हम भली भांति पालन करेंगे। इस मौके प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों को खास पैगाम देंदिया कहा कि कश्मीर के लोग देश विरोधी ताकतों को समझ रहे हैं अते वो शांति नाल अपना जीवन बसर करना चाहते हैं। कश्मीर के नागरिक देश विरोधी ताकतों को भली भांति समझने लगे हैं और जैसे जैसे सच्चाई समझने लगे हैं वे ऐसे तत्वों से अपने आप को अलग करके शांति के मार्ग पर चल पड़े हैं। इस दे नाल ही PM मोदी ने पैरालंपिक च देश दा नां रोशन करन वाले खिडारियों नूं भी वधाई दित्ती। इस पैरालंपिक ने और हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने मानवता के दृष्टिकोण को, दिव्यांग के प्रति देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया है और मैं हमारी एक विजेता बहन दीपा मलिक की उस बात को कभी नहीं भूल पाऊंगा जब उसने
मेडल प्राप्त किया तो उसने ये कहा कि इस मेडल से मैंने विकलांगता को ही पराजित कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मुहिम का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि स्वच्छता को लेकर देश में जागरूकता बढ़ी है। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 500 शहरों में स्वच्छता का सर्वे भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट फ्री मीडिया। खबरों के इस बुलेटिन फिलहाल इन्ना। इजाजत दो, धन्यवाद।